सबसे पहला आता है कि जब भी हम श्री धान्य मिलेट्स का यूज करते हैं तो हमें मिलेट्स को 6 से 8 घंटा पानी में भिगोना जरूरी है। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो इसका फाइबर प्रॉपर वे में सॉफ्ट नहीं हो पाएगा और जब भी आप श्री धान्य मिलेट्स को खाएंगे ये आपके पेट में जाके गैस कब्ज जैसी समस्या उत्पन्न कर सकता है। तो इसलिए ध्यान रखिए कि आपको श्री धान्य मिलेट्स को 6 से 8 घंटा भिगोना जरूरी है। दोस्तों अब सेकंड पॉइंट आता है कि जब भी आप श्री धान्य मिलेट्स प्रोटोकॉल को फॉलो करें, अगर आपको कोई भी गंभीर रोग है यानी कि कोई क्रॉनिक डिसीज है जो काफी लंबे समय से आपको सता रही है और आप इससे जल्दी से जल्दी निजात पाना चाहते हो तो आपको श्री धान्य मिलेट्स को अम्बली फॉर्म में लेना है यानी कि उसको फर्मेंट करके खाना है। कितने समय तक? 6 से 9 हफ्ते तक। उसके बाद आप क्या कर सकते हो, उसके बाद एटलीस्ट आप एक टाइम कर दीजिए कि आप एक टाइम फर्मेंटेड मिलेट ले लीजिए और बाकी टाइम मिलेट्स को पका के खा लीजिए। लेकिन शुरू के 6 से 9 हफ्ते तक खाली आपको श्री धान्य मिलेट्स फर्मेंटेड फॉर्म में ही लेने चाहिए। अब तीसरा आता है कि जब भी आप किसी डिसीज को ठीक करने के लिए श्री धान्य मिलेट्स का यूज करते हैं और कषाय का यूज करते हैं तो उसको प्रोटोकॉल के हिसाब से लीजिए। डॉक्टर खादिर वली जी ने अपने सालों की रिसर्च की, काफी सारे एक्सपेरिमेंट्स किए और हजारों लोग इनके प्रोटोकॉल्स का फॉलो करने से ठीक हुए। तो ये प्रूवन टेक्नोलॉजी है, प्रूवन सिस्टम है जिससे डिसीज ठीक होती है। तो बताए गए श्री धान्य मिलेट प्रोटोकॉल के से ही अपना डिसीज को क्योर करना सभी के लिए फायदेमंद है। दोस्तों अब आता है कि जब भी आप कषाय का सेवन करें तो सुबह को खाली पेट लें और अगर आप शाम को भी कषाय लेते हैं तो यह इंश्योर करना है कि आप डिनर से आधा घंटा पहले लें। अब बात आती है, कुछ लोग ये पूछना चाहेंगे कि सर आपने 5 प्रकार के कषाय बताए हैं लेकिन हमारे पास तो कुल 3 प्रकार के कषाय हैं, 4 प्रकार के कषाय, तो ऐसे में क्या करें? ऐसे में करना आपको यही है कि आपको एटलीस्ट 3 प्रकार के कषाय का यूज करना ही है। आप अगर 5 प्रकार के कषाय आपको नहीं मिलता है तो आप 3 प्रकार का कषाय यूज कीजिए और यकीन मानिए आपको इससे भी मैक्सिमम बेनिफिट मिलेगा। दोस्तों अब आता है कि हमें क्या चीज नहीं खानी है। तो जब भी हम श्री धान्य मिलेट्स का कंप्लायंस करते हैं, जब भी हम इसको फॉलो करते हैं, हमें नॉन वेजिटेरियन फूड जिसमें कि एग मीट आते हैं उनको बंद करना होगा, साथ ही साथ हमें दूध या इससे बने हुए प्रोडक्ट्स भी बंद करने होंगे, तभी हमें श्री धान्य मिलेट्स खाने का लाभ मिलेगा। दोस्तों अब आता है कि हम खाने में कौन सा तेल उपयोग करें। तो इसमें डॉक्टर खादिर वली जी बोलते हैं कि आपको कच्ची घानी ऑयल ही यूज करना है और कौन सा ऑयल जो भी आपके एरिया में होता है। फॉर एग्जांपल अगर हम दक्षिण भारत की बात करें तो उस वहां पर आपको नारियल का तेल अधिक मिलेगा, वहीं अगर बात करें हम उत्तर भारत की तो यहां पर आपको सरसों का तेल अधिक मिलेगा। तो जो भी आपका तेल लोकल में होता है उसका अगर आप उपयोग करेंगे तो आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिलेगा। आपको इसके अलावा रिफाइंड ऑयल बिल्कुल भी यूज नहीं करना है। अब आता है कि हमें हमेशा यह ध्यान रखना है कि हम रिफाइंड चीनी यानी कि व्हाइट शुगर से बनी चीजों का उपयोग ना करें। ऐसा करने से अगर हम बार बार चीनी खाएंगे तो हमारे शरीर में ग्लूकोज इंबैलेंस होगा जिससे हमारा जितना भी हमने प्रोटोकॉल फॉलो किया है वो सब बेकार हो जाएगा। तो यह इंश्योर कीजिए कि व्हाइट शुगर यानी कि रिफाइंड शुगर से बनी चीजों का उपयोग ना करें। अब आता है कि जब भी आप श्री धान्य मिलेट्स का फॉलो करते हैं आपको सुबह और शाम, मॉर्निंग में सनराइज के समय और इवनिंग में सनसेट के समय, आपको प्रतिदिन 1 से 2 घंटा मॉर्निंग वॉक करना जरूरी है। अब लोग पूछेंगे कि सर हम तेज वॉक करें, धीमे वॉक करें, कैसे वॉक करें? दोस्तों इसमें मैटर यह करता है कि आपको कम से कम 1.5 से 2 घंटा वॉक करना है, ना कि यह कि आप धीरे चलते हैं या फास्ट चलते हैं। धीरे धीरे आप स्टार्टिंग कीजिए और जैसे जैसे समय बीतता जाए आप अपनी स्पीड को बढ़ा सकते हैं। लेकिन जानने लोगों की बात यह है कि आपको अपना वॉक आज से ही स्टार्ट करना है। दोस्तों जब भी हम श्री धान्य मिलेट खाएं तो हमें गेहूं, चावल और मैदा और इनसे बनने वाली खाद्य सामग्री जो कि हम बोलते हैं प्रोसेस फूड, इसको भी छोड़ना पड़ेगा। अगर हम इसको नहीं छोड़ेंगे तब भी हमारा ग्लूकोज इंबैलेंस होता रहेगा और हमें रोग से मुक्ति नहीं मिलेगी। अब आता है कि जब भी आप पानी का उपयोग करते हैं, चाहे पीने के लिए और चाहे खाना बनाने के लिए, आपको स्ट्रक्चर्ड वाटर का ही यूज करना है। अगर आप जानना चाहते हैं कि स्ट्रक्चर्ड वाटर किस प्रकार से किया जाता है तो इसका भी लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे दिया हुआ है।
अब 10th पॉइंट आता है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो यह है कि जब आप श्री धान्य मिलेट प्रोटोकॉल स्टार्ट कर देते हैं, कषाय और मिलेट्स खाना स्टार्ट कर देते हैं, उस समय आपको तुरंत अपनी दवाइयां बिल्कुल नहीं छोड़नी है। आपको करना क्या है, आपको निरंतर अपने डॉक्टर की कंसल्टेशन में ही रहना है। जैसे जैसे आपका शरीर इंप्रूव होता जाएगा, आपकी इम्यूनिटी बढ़ती जाएगी, आपका सिस्टम बेहतर होता जाएगा, आपकी दवाइयों की डिमांड ऑटोमेटिकली कम होती जाएगी और अपना आप धीरे धीरे आपकी दवाइयां बंद हो जाएगी या डॉक्टर उसको स्वतः ही बंद कर देगा। अब 11 नंबर पॉइंट आता है कि जब भी आप खाना खाएं तो खाने को बहुत ही अच्छे तरीके से चबा चबा कर खाना है, और अगर आप पहले 10 मिनट लिया करते तो अब आपको डिनर, ब्रेकफास्ट और लंच के समय कम से कम आधे घंटे का समय लेना है और बहुत ही आराम से खाना खाना है। अब 12 नंबर पॉइंट आता है कि आप अपना मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर इसका टाइम फिक्स कर लीजिए। आप 15 मिनट ऊपर या नीचे तो जा सकते हैं, लेकिन आपको अपने डिनर, ब्रेकफास्ट और लंच का टाइम फिक्स करना ही होगा। ऐसा करने से आपको एक निश्चित समय पे भूख लगेगी और आपको उसी समय पे अपना भोजन ग्रहण करना है, और यह भी इंश्योर करना है कि रात को 8 बजे के बाद आपको कुछ नहीं खाना है। इससे आपकी बॉडी रात को अपने काम में निरंतर लगी रहेगी और आपके शरीर में जो भी डिसीज है उसको ठीक करने में लग जाएगी। अब आता है 13 नंबर पॉइंट कि अगर आपको बहुत ही जल्दी हेल्दी होना है और आप चाहते हैं कि आपका रोग बहुत जल्दी ठीक हो जाए, आपको सुबह सूर्योदय के समय और शाम को सूर्यास्त के समय कम से कम आधे घंटे की धूप अवश्य तौर पे लेनी पड़ेगी। चाहे तो आप सुबह ले लीजिए, चाहे आप शाम को ले लीजिए। ऐसा करने से आपके शरीर में विटामिन डी का निर्माण होगा, जिससे आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी, आपकी मसल पावर इंप्रूव होगी और आपका भी रोग जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएगा। अब लास्ट पॉइंट आता है कि आपको अगर आप डेली बेसिस पे चाय, कॉफी आदि लेते हो तो आपको इसको छोड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि ऐसा नहीं करने से हमारा डाइजेशन हमेशा खराब होगा और हमें डिसीज से मुक्ति नहीं मिलेगी। इसकी जगह आप कर क्या सकते हैं, इसकी जगह आप अपने घर में एक हर्बल ड्रिंक तैयार कर सकते हैं, जिसको बनाना बहुत ही आसान है। आपको करना क्या है, आपको थोड़ा सा अदरक पानी में डालना है और उसको उबाल लेना है। जब अदरक पानी में अच्छे से घिसने के बाद उबल जाए, उसको छान लीजिए और उसमें आधा नींबू और अपने स्वाद के अनुसार शहद डाल दीजिए। जो लोग शहद नहीं लेते हैं वो इसमें शक्कर या खांड का भी उपयोग कर सकते हैं। यह ऐसा हर्बल ड्रिंक है जो आपके शरीर में वात, पित्त और कफ को बैलेंस करेगा और आपके डिसीज को भी क्योर करने में मदद करेगा। तो आपको चाय कॉफी छोड़ देनी है और इस हर्बल ड्रिंक पर आ जाना है। दोस्तों, आज की यह वीडियो आपको कैसी लगी कॉमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइएगा।